Good morning friends and welcome back into day 10 of this ride Ladakh 2019. We are here in Suru Valley और अभी पता चला वो कोई चेरी नहीं है, पौंडीचेरी वगैरह. इट इज़ पुर्तिक चे. पानीखर से 10 किलोमीटर पहले ये गांव है एंड वी आर हियर इन दिस प्रॉपर्टी सुरु व्यू गेस्ट हाउस. बहुत सही प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो डिस्प्ले लगा हुआ है ना वो सबसे पहले मुझे आपको दिखाना है. Look at this, all the mountaineering equipments. And on the other side here, everything that you need for snow sports and climbing. The skates here. Friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Look at the bird there. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. Itna bolne mein saans phul gayi. Well, the date is 17th of September 2019. The time right now is not visible. 10:30 a.m. Aaj pahunchna hai Leh. Finally, we are reaching Leh tonight. Lekin aaj hum Kargil se Leh ke liye ek alag route lene wale hai, which is through Batalik sector. Uske liye परमिट लेना पड़ता है कारगिल डीसी ऑफिस से. सो पहले कारगिल पहुंचेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे. अच्छा, उससे पहले हम जाने वाले हैं करसेखार मोनास्ट्री, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री ओवर हियर. शांकु विलेज से कुछ 7-8 किलोमीटर अंदर है. तो अभी पहले चलेंगे करसेखार मोनास्ट्री में. सेम्स मोनास्ट्री नहीं, कुछ ओल्ड स्टैचू है यहाँ पे. अराउंड 5 किलोमीटर अंदर आए हम शंकु से और अभी ऐसे चल के जाना है यहाँ से. स्टोन कार्व्ड स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा. It's huge. It's at least 25-30 feet tall. Wow. Beautiful, isn't it? कैसे पुराने ज़माने में ये सब कार्विंग वगैरह करते थे ना पता नहीं. I think there's a way to go up also. Let's see if it's possible. मोनास्ट्री तो नहीं थी यहाँ पे, बट एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू देखने मिला. अभी इसकी हिस्ट्री तो कुछ यहाँ पे बताने वाला था नहीं कोई. जैसे ही लह पहुँचूँगा, होपफुली इंटरनेट मिलेगा, तो मैं गूगल पे सर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे चिपका दूँगा. पढ़ लेना. अभी हम चले कारगिल की तरफ. इस तरफ से बरसात शायद आ रही है तो अभी फटाफट से निकलना पड़ेगा. सी रेन क्लाउड्स ऑल फॉर्मिंग ओवर हियर. जल्दी निकलना पड़ेगा अगर बारिश में नहीं फंसना है तो. बिटवीन कारगिल एंड पानीखर इज दिस स्मॉल टाउन कॉल्ड शंकु. ओके, सी दिस इज वे टू उम्बा. ये जो लिखा है ना, दिस इज द रूट जो एक्चुअली हमें लेना था आते वक्त. ये डायरेक्टली द्रास को कनेक्ट होता है. सो यू डोंट हैव टू टेक द कारगिल रूट.
कम से कम 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस बचता है, लेकिन दो हाई अल्टीट्यूड पासेस है उसमें, एक उम्बाला और दूसरे को अभी तक नाम नहीं दिया है कोई। सो मच ऑफ क्रॉस विंड, बाइक सीधा चल ही नहीं पा रही है, ऑल द टाइम आई एम राइडिंग लाइक दिस, इतना क्रॉस बाइक राइट साइड में फेंकी जा रही है हवा से, यू कैन सी फ्रॉम द ट्रीज ऑल्सो। अनदर 20-odd किलोमीटर्स टू कारगिल। डीसी ऑफिस तक गए, वहाँ पे असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा कि अगर आपको लेह साइड से आना है तो ही परमिशन चाहिए, अगर आपको बतालिक सेक्टर में कारगिल साइड से जाना है तो परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर एन इंडियन रेसिडेंट। तो और काम आसान हो गया, अभी निकल पड़े हैं, पहले तो पेट्रोल भराना है कहीं पे, फिर चलेंगे बतालिक, फिर आर्यन वैली, हम्बुटिंगला, नया नया कुछ देखने मिलेगा आपको आज। ओडोमीटर 65079, जांचकर वैली ने क्या गुल खिलाया दिखने दो, अरे शपथ 32.61। मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऑफ रोड में ही जीनी है, यही पे गाड़ी परवड़ती है। रुकावट आ गई है अपनी यात्रा में, ब्रिज का कुछ प्लेट डैमेज हो गया है तो अभी वेल्डिंग के लिए बीआरओ ने दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक रखा है। बाय द वे देयर इज अ गुड न्यूज़, दूसरी टीम 4 लोगों की, वो भी कल रात को कारगिल में थे एंड अभी कांटेक्ट हुआ थोड़ी देर पहले, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लेह बट दे हैव टेकन द रेगुलर रूट मुलबेक वाला। तो शाम को लेह में पहुँच के पूरी टीम फिर से एक होने वाली है, मज़ा आएगा। उस काम की वजह से लंबा चौड़ा डिटूर लेना पड़ा, अभी वापस कारगिल टाउन में जाके दूसरी तरफ से उसी रोड को कनेक्ट होना है। फाइनली 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वापस वही उसी जगह पे, यहाँ नीचे वो पुल का काम चल रहा है जस्ट टू माय राइट, और फाइनली ये बतालिक वाला रूट ले लिया हमने। एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक, आधा पौना घंटा गया इसमें, हार्डली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस रोड। क्या नज़ारे हैं, क्या ब्यूटीफुल व्यूज है चारों तरफ, बहुत सही लग रहा है। बस एक बात की चिंता हो रही है ये सामने देख के, इट इज इधर रेन्स और स्नो एंड इन बोथ केसेस वी कैन बी इन ट्रबल। पहले 20 किलोमीटर में इस रूट का पैसा वसूल, वी आर एसेंडिंग टूवर्ड्स सम पास, दिस इज द काइंड ऑफ रोड वी आर राइडिंग ऑन। नहीं चढ़ा पाए उधर से, तो बैक ऑन रोड, सीधा रास्ते से ही चलेंगे, शॉर्टकट बन गया लॉन्ग कट। यहां तक आए थे और बस ये एक चढ़ान के लिए वापस जाना पड़ा, अब यहाँ से और एक शॉर्टकट है और छोड़ दो, सीधा रास्ते से ही जाएंगे। एंड हियर वी आर, एट द टॉप ऑफ हम्बुटिंगला, अल्टीट्यूड 4024 मीटर्स, 13,202 फीट from the mean sea level. Guys, challenge number 6 of this ride completed. We are at the top of Hambutingla, 4024 meters from mean sea level on the route from Kargil to Batalik. ये route बहुत कम लोग करते हैं,
but it's a beautiful route. I'll show you the landscape on Batalik side. See this. And rain's approaching from there. Yahan se niche utarna hai ab. Batalik is another 25 kilometers. Leh from here is around 200 kilometers more. Aur jo hawa chal rahi hai na, it's freezing. It's literally freezing. Wow. Chalo guys, let's move ahead. Let me tell you something interesting about this route. In this valley civilization, जो बोलते हैं आर्यन कल्चर, वो आज भी इस एरिया में प्रिजर्व है. We'll go through some villages को उनके नाम में बता देता हूँ. One is Dah and one is Hanu. वो दोनों villages में आज भी प्योर आर्यन प्रोडिजी के लोग रहते हैं. फिलहाल यहाँ से नीचे उतरना है, टॉप पे बहुत ज़्यादा ठंड है. On my left, यहाँ से behind me it flows into Baltistan. इस राइड के तीसरे दिन नहीं चौथे दिन हम पहुंचे थे बनीखेत. अगर शुरू से आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो देख लो जरूर, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो फोर्थ डे हम पहुंचे थे बनीखेत और फिफ्थ डे वहां से निकले थे साचपास के लिए. तो बनीखेत से निकल के तकरीबन चंबा पहुंचने से पहले ही नेटवर्क गायब हो गया था. उसके बाद किलाड़ में BSNL का नेटवर्क तो मिला था लेकिन इंटरनेट नहीं मिला था समहाउ. देन वी एंटर्ड कश्मीर, तो इंटरनेट भी बंद, नेटवर्क भी बंद. कारगिल में BSNL का कॉलिंग नेटवर्क मिला लेकिन इंटरनेट बंद. अभी 10 मिनट पहले ऑन 10th डे ऑफ दिस राइड, मतलब 6 दिन की गैप के बाद इंटरनेट मिला है. और पिछले 10 मिनट से मेरे कानों में सिर्फ नोटिफिकेशन ही बज रहे हैं. बिछे दिन में कितने मैसेजेस रहेंगे व्हाट्सएप पे, वो भी रुक के देखना पड़ेगा. वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड खालसी, जहाँ पे ये रूट बतालिक सेक्टर वाला रूट जो यूजुअल श्रीनगर ले हाईवे जो सब लोग लेते हैं उस रूट से कनेक्ट होता है. तो हम कंटिन्यू करेंगे नीमू तक, क्योंकि अंधेरा होने से पहले नीमू पहुंचना है. माइट बी अनदर 20-25 किलोमीटर्स अहेड. मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत था, नीमू इज़ नॉट 20-25, इट्स 61 किलोमीटर्स टू गो. सो मुश्किल है दिन के उजाले में पहुंचना, बट स्टिल वी हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी. बैड न्यूज़ गाइस, नीमू तक तो नहीं पहुंच पाएंगे दिन के उजाले में. एक्चुअली सब लोग मिल गए वापस, तो पूरा ट्रिप जो उन्होंने हमारे से अलग होके किया था उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग और वो सब चालू हो गया. तो तकरीबन 20-25 मिनट का ब्रेक हो गया बीच में. बट अभी इट इज़ 60 किलोमीटर्स लेफ्ट टू रीच ले. अब तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, तो सीधा पहुंचते हैं अपने होटल पर. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. Thank you.
morning guys, welcome into day 11 of this ride Ladakh 2019. We are finally in Leh. Raat ko 8:30-9 baje pahunche. Sab check in karke settle karne mein bahut der ho gayi thi. Khane ke liye gaye 10:30 baje Leh ke sare market sare restaurants band ho jate hain, to hame sabji bread ke sath khani padi. Aur wapas aane ke baad raat ko temperature chala gaya tha -2 degrees, bahut zyada thand thi. Right now it is 1 degree Celsius. इट्स 6 AM ऑन 18th of September और अभी हम निकले हैं, हम मतलब मैं और प्रकाश सर, हम निकले हैं बाइक्स लेके कहीं जाने के लिए. कहाँ जा रहे हैं चलो जाते जाते बात करते हैं. चलो लेह सिटी की सड़कें इतनी खाली खाली शायद ही किसी व्लॉग में आपने देखी होंगी. आज देख लो, सुबह 6 बजे का नजारा. ओके सो अगर आपको याद है पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि 17 की रात को कैसे भी करके लेह पहुंचना है क्योंकि कोई आफत आने वाली है, तो बस अब हम निकल पड़े हैं उसे आफत को पिकअप करने एयरपोर्ट पे. प्रियंका इज लैंडिंग हियर बाय 6:30. अभी हुए हैं 6:15, 15 मिनट में उसका फ्लाइट लैंड होने वाला है. और यहाँ से आगे लद्दाख 2019 विल बी डूइंग एज अ कपल. बहुत मजा आएगा. ऑलरेडी मैडम का मैसेज आ चुका है कि दिल्ली की ठंडी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और यहाँ पे तो अभी 1 डिग्री सेल्सियस है. क्या होने वाला है उसका पता नहीं. गाइस फास्ट फॉरवर्ड टू 9:35 AM. एक घंटा वेट करना पड़ा एयरपोर्ट के बाहर. इनकी फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट आई ना, उसके भी सब पैसेंजर्स बाहर आ गए लेकिन ये लोग अंदर बैठे थे. क्या कर रहे थे बस इनको पता. ये स्पेशल गेस्ट है, गो एयर वालों ने ना रोक के रखा था, आपको बाद में खुद छोड़ने आएंगे हम लोग. फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसे था? बढ़िया. प्रत्येक व्लॉग में एकदा तरी बढ़िया शब्द बोलती है. सेकंड मेंबर किया. फाइनली टीम इज कंप्लीट. सो कैसा लग रहा है लेह में पहुंच के? ऑसम, माय ड्रीम केम ट्रू टुडे. अभी तो चालू होना है राइड, तो आगे अपन. The entire team is here, all the team put together. Guys, finally पूरे 8 लोग साथ में. सुबह ब्रेकफास्ट करके वापस होटल पे आने के बाद जो लैपटॉप लेके बैठा हूँ एकदम जोरों शोरों से एडिटिंग चल रही है. अभी शाम के 6 बजे बाहर पड़ा हूँ रूम से. सो लेह में लोकल साइट सीइंग का पहला पॉइंट, वी आर गोइंग टू द शांति स्तूपा टू विटनेस सनसेट. शांति स्तूपा पहुँच गए, इट्स ऑलमोस्ट सनडाउन और यहाँ पे एक क्यूट सा गेस्ट है. हेलो. बहुत क्यूट है. ऊपर जाके यहाँ से पूरा लेह टाउन दिखता है और मेरे पीछे जो पहाड़ी है दैट इज़ टूवर्ड्स खारदुंगला टॉप. 20th September की मॉर्निंग को वहाँ जाना है. अभी आज का और कल का दिन लेह में ही है. लेट्स गो अप नाउ. Which shows village Stoke, the official residence of Ladakh Royals, and it is directed like this.
that village over there is the stoke village. Another one, village Matho, which is found in the year 1410. It's over there. That village over there is Matho, one of the oldest villages in Ladakh. And as I said while coming up, here you go, this is Kardungla. There, right over there, top. We'll be going there in a couple of days. It will be 18,380 feet from mean sea level. One of the highest motorable roads in the world. It is disputed. But agar likha hai, to hum to kahenge bhai, claim to karna padega. Ek ghante pehle, yahan pe kam se kam 100-200 log the. Aur abhi, sirf hum 5. और वहाँ पे एक दो लोग हैं। ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन लेह टाउन की नाइट फोटोग्राफी करनी थी, उसके लिए रुके थे। फोटो देख लो, मजा आएगा। Next stop is Mal Road. Shopping करेंगे थोड़ी बहुत. Shoes फटे, पता है ना? Accident हुआ था. Shoes लेने नहीं. और भी कुछ देखते हैं, कुछ मिला तो. चलो.